अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट वन चैप्टर टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको लिख सकते हैं एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है। और इसमें टॉपिक होगा सेपरेशन प्रोसेस। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, नेम से ही एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ की जाएंगी वो होंगी, रिलेट होंगी सेपरेशन प्रोसेस से। तो इस केमिस्ट्री की जो ब्रांच है इसको हम लिखा करते हैं, इसको डिनोट या इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि जो कुछ टेक्निक है ना इसमें एक्सपेरिमेंटल, वो एनालिसिस के हवाले से हैं। तो इसलिए इसका इंट्रोडक्शन में पहले डेफिनेशन आएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन बुक में लिखी है, इट इज़ अ साइंस फॉर द केमिकल करैक्टराइजेशन। एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल टेक्निक, तो ये कौन सी साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल करैक्टराइजेशन। और केमिकल करैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि करैक्टराइजेशन मीन आप यहाँ पर समझ लें जांचना, एनालिसिस करना, किसकी, केमिकल की। कोई भी आपको कोई सब्सटेंस दे दिया गया तो उसकी केमिकल करैक्टराइजेशन मीन क्या होगा, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करना, जांचना। और एनालिसिस के हवाले से कि कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, अ ब्रांच इन विच वी डील्स एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, हम उस केमिस्ट्री को क्या लिखेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री लिखेंगे। किस तरह से एनालिसिस करते हैं उसके हवाले से हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है ये इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या एनालिटिकल टेक्निक होगी फॉर द एनालिसिस। तो एनालिसिस जो है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं, एनालिसिस क्या हुआ करती है, सिंपली किसी इंफॉर्मेशन लेना किसी भी सब्सटेंस के बारे में। तो इंफॉर्मेशन जो थी हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर में भी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो, या कंप्लीट एनालिसिस, वो दो स्टेप्स पर इन्वॉल्व है। एक स्टेप को हम बोला करते हैं उस एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरी एनालिसिस कहलाएगी क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने पढ़ा था जिसके अंदर हम ये लफ्ज़ लिया गया क्वालिटी से, ये देखा करते हैं कि जो सब्सटेंस हमें दिया गया उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। तो व्हाट आर द एलिमेंट या विच टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस और कंपाउंड, दिस एनालिसिस आर क्वालिटेटिव। और इसके बाद द अमाउंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की कौन कौन सी अमाउंट जो है वो सब्सटेंस में प्रेजेंट है, अमाउंट या क्वांटिटी, ये एनालिसिस क्या कहलाएगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में दी गई हैं कि एनालिसिस जो है वो दो तरह की हुआ करती है। ये सिर्फ समझने के हवाले से, कॉन्सेप्ट के हवाले से ये वाला जो है स्टार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक आएगा, और वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो ये एनालिसिस फोर स्टेप्स पर इन्वॉल्व है। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर स्टेप्स, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व फॉर कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्यू ई मीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उन फोर स्टेप्स को में से पहला स्टेप्स जो है वो ये है कि जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया जिसकी एनालिसिस करनी है, उसमें पहला स्टेप आएगा ऑबटेन द सैंपल, ठीक है। आपने एक सैंपल लेना है, ऑबटेन करना है सैंपल जिसकी एनालिसिस करनी है। यहाँ सिर्फ आपने इसको पढ़ना है, अगर हम इसको ब्रॉड करें तो इसका मीनिंग है ऑबटेन का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी गई, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं ओपन करेंगे कि ऑबटेन मीन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने जस्ट इसको याद रखना है कि ऑबटेन द सैंपल फॉर द एनालिसिस। नंबर टू, अब जो सैंपल आपको दिया गया, जो आपने हासिल किया है, उसमें से जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, ऐसे आपको फ़र्ज़ करें मिल्क दे दिया जाए, पूछा जाए बताएं भाई इसमें जो है वो लिपिड है उसका कंटेंट कितना है, या इसमें जो फैट है उसका कंटेंट कितना है, तो जिस चीज़ के बारे में आपको कहा गया, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम उस चीज़ के बारे में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब पहले हमने जिस चीज़ के बारे में मेजर करना है उसको सेपरेट करेंगे,
ठीक है, ताकि उसको अलहदा करके मैयर किया जाए। तो सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन अज्जा, वो चीज़ जिसके बारे में पूछा गया उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करके उसकी मेयरमेंट करेंगे, तो नंबर थ्री जो आ जाएगा वो आएगा मेयरमेंट। ठीक है, मेयरमेंट मीन हम उसकी अमाउंट जानेंगे कि ये चीज़ इसमें इतनी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद इसी में मेयरमेंट करके हम कैलकुलेट करेंगे रिज़ल्ट। रिज़ल्ट कैलकुलेट मीन कि आपसे दूध में कहा गया बताएं भला जो है फैट इतना है, तो आपने पहले उसको सेपरेट किया, मैयर किया कितना है, फिर रिज़ल्ट निकाला इतनी अमाउंट में जो है ये हमें इसमें मिला। फिर चौथा स्टेप्स है कि जिसने आपको ये चीज़ बताई थी कि मुझे इस सैंपल में ये चीज़ आप बताएं, क्वांटिटी बताएं उसकी, तो आप ये रिज़ल्ट निकाल कर क्या करेंगे, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो चौथा स्टेप जो होगा वो आ जाएगा हमारा ड्राइंग कंक्लूजन। मैयर करके आपने रिज़ल्ट बनाया, रिज़ल्ट बनाकर आप वहाँ से क्या करेंगे, कंक्लूजन जो है वो ड्रा करेंगे कि ये स्कीम इसमें से हमने क्या किया है, कंक्लूड किया है। तो ये चार स्टेप्स शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर द फोर स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, कौन सी एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। अब इस चैप्टर में हमने ये जो सेकेंड हेडिंग लिखी है ये वाली सारी, ठीक है, ये सब हर एक जो मैंने पॉइंट लिखा इस पर टॉपिक लिखे जाते हैं। तो यहाँ जो हमने ये वाला पॉइंट है सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, जिस चीज़ के बारे में आपको कहा गया है कि आपने इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, उसमें हमने देखा सेपरेट करना पड़ेगा। तो दरअसल हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये सेपरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस किस प्रोसेस से हम जो डिज़ायर्ड हमारा कंपोनेंट है उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन टेक्निक के हवाले से इस वजह से हमारा यहाँ टॉपिक क्या होगा, सेपरेशन प्रोसेस। तो सेपरेशन प्रोसेस हम यहाँ पर चार से पांच पढ़नी है, जिसमें पहला सेपरेशन प्रोसेस है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, फिल्ट्रेशन का लफ्जी मतलब उर्दू में देखें तो क्या मतलब होता है, फ़िल्टर करना, किसी चीज़ को छानना। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ पर यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, ये प्रोसेस यूज़ किया जाएगा अगर आपका फ़र्ज़ करें कोई सॉल्वेंट दिया गया है, उस सॉल्वेंट में जो हमारा कंपोनेंट है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं वो क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, कोई इनसॉल्युबल चीज़ उसको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। ठीक है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को किसी लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। अब कैसे करते हैं फिल्ट्रेशन, इसके लिए यूज़ किए जाते हैं फिल्टर मीडिया। ठीक है, फिल्टर मीडिया का मतलब क्या होगा, एक मीडियम होगा और एक से ज़्यादा चूँकि हम तरीके यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो वर्ड क्या आ गया, मीडिया। इसके लिए हम फिल्टर मीडिया यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ जो हमारे डिस्कस किए गए हैं फिल्टर मीडियम वो कौन कौन से हैं, एक यहाँ होगा फिल्टर पेपर, सिंपली जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं वो होगा बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, और दूसरा जो मीडियम होगा वो यहाँ पर है क्रूसिबल। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा कि ये एक पेपर है जिससे हम फिल्ट्रेशन करेंगे, और क्रूसिबल कोई कंटेनर होगा, वो हम देख सकते हैं कि वो पोर्सलीन यानी कि मिट्टी का बना हुआ हो सकता है, ग्लास का बना हुआ हो सकता है, कोई ऐसा कंटेनर होगा जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। तो ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, फ़िल्टर मीडिया होंगे। अब कौन सा फ़िल्टर मीडियम हमने यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ दी प्रेसिपिटेट पे, ये MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन मीडियम विल बी यूज, हम कौन सा करें, तो इट डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ दी प्रेसिपिटेट पे। देखिए प्रेसिपिटेट क्या हुआ करता है, आपने छोटी क्लासों में उसको उर्दू में पढ़ा होगा, रसूब। ठीक है, जैसे आप क्या करें, हमारे पास वाटर है, आप इसमें कोई इनसॉल्युबल चीज़ डाल दें, आप रेत ही डाल दें, वो जाके नीचे बैठ जाएगी। तो ये इनसॉल्युबल पार्टिकल प्लस सॉल्वेंट ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। अब इसकी नेचर किस तरह की है, कि जब हमने फिल्टर मीडियम पढ़ने हैं तो उसमें पढ़ते हुए हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये जो हमने बात कही थी कि इसकी नेचर डिफाइन करती है कि फ़िल्टर मीडियम जो है वो किस तरह के यूज़ किए जाएंगे।
स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले फ़िल्टर पेपर से कि किस तरह से फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हुए हम लोग फ़िल्ट्रेशन करेंगे। तो जो मेन टॉपिक है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये आ जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो ये चैप्टर शॉर्ट में आता है, जितनी भी हमने पेरिंग स्कीम देखी है काफ़ी ज़्यादा पिछले सालों से 4-5 से, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आ रहा है, लेकिन हो भी सकता है कि लॉन्ग में भी ये बने, तो इसलिए आपने इसको लॉन्ग के हवाले से भी तैयार करना है टॉपिक को, और जो इसमें शॉर्ट बनेंगे वो भी साथ साथ करने हैं। तो हमारा जो टॉपिक अब इसमें मेन स्टार्ट होता है लॉन्ग, वो आएगा फिल्ट्रेशन, ठीक है, थ्रू या फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग फ़िल्टर पेपर। हमने फ़िल्टर पेपर को लेते हुए क्या करनी है, फ़िल्ट्रेशन करनी है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन फ़िल्टर पेपर क्या हुआ करता है, ये एक सिंपल पेपर है जो कि आपको पता है पेपर बना हुआ करता है सेल्युलोज मटेरियल का, ठीक है, जिसके अंदर स्मॉल पोर्स मौजूद हैं, और ये स्मॉल पोर्स इसके अंदर मौजूद होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर है हमारा फ़िल्टर पेपर एक्ट लाई का मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन मीन जैसे एक झिल्ली होती है, उसमें से कुछ चीज़ें पास कर जाती हैं कुछ नहीं करती, कौन सी पास करती हैं कि जितना उसमें पोर साइज़ होता है, पोर मीन सुराख, जितने स्मॉलर पार्टिकल उस सुराख के बराबर होते हैं वो गुजर जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो नहीं गुजर सकते। इस तरह से हम मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली की तरह हम फ़िल्टर पेपर को कंसीडर करेंगे। सेल्युलोज मटेरियल का यह बना हुआ पेपर होगा जिसके अंदर क्या होंगे, स्मॉल पोर्स होंगे, और इन पोर्स में से क्या होगा, वो पार्टिकल गुजर जाएंगे जिनका साइज़ स्मॉल है, और वो पार्टिकल नहीं गुजरेंगे जिनका साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। तो फ़िल्टर पेपर के अंदर ये जो पोर्स हैं, ये हर पेपर ना डिफरेंट साइज़ का आता है, डिफरेंट साइज़ भी इसका होता है, लेंथ भी होती है, थिकनेस भी होती है, क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है। साइज़ तो चलिए हम आमतौर पर लोग फ़िल्टर पेपर का सेम रख लेते हैं, यहाँ हम जो चीज़ें वेरी करते हैं इसमें वो इसकी थिकनेस मोटाई होती है, और इसका पोर साइज़ होता है। पोर साइज़ मीन सुराख का जो साइज़ है उन पोर्स का, वो हर एक में एक जितना नहीं है, वो वेरी करता है, ठीक है। ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर लिखा होता है पोर साइज़, जब हम लेते हैं मार्केट से तो नॉर्मली इनका पोर साइज़ जो है वो रेंज करता है 1 to 11 माइक्रोन मीटर तक, ठीक है। माइक्रोन मीटर किसको कहते हैं, माइक्रोन होता है 10^-6, एक माइक्रोन मीटर इसके इक्वल है। तो देखें अगर आप 1 × 10^-6 मीटर का पोर लेंगे तो बहुत बारीक सुराख है इसके अंदर, ठीक है। ये पेपर के अंदर वेरी करते जाते हैं। हमने कौन सा फ़िल्टर पेपर लेना होता है वो डिपेंड करता है जो हमारा प्रेसिपिटेट है, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है उसका साइज़ कितना है। तो अगर हम वो वाला फ़िल्टर पेपर लेंगे जिसमें हमारा पार्टिकल उसके पोर साइज से क्या होगा, लार्जर होगा। बात समझ आई, इसका मतलब है कि फ़िल्टर पेपर के अंदर पोर साइज़ के अंदर चूँकि डिफरेंस है, तो फ़िल्टर पेपर आर चूज दे डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ द पार्टिकल, कि हमारा जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है उसका साइज़ कितना है, उस हवाले से हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर जो होगा उसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब चूज़ करने पर फ़िल्टर पेपर को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आएगा, हाउ फ़िल्टर पेपर आर यूजेबल फॉर द फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस, या हाउ द फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस आर टू बी डन बाय यूजिंग फ़िल्टर पेपर। तो इसमें हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी टॉपिक आता होता है जिसमें आपने स्टार्ट में फ़िल्टर पेपर के बारे में बताना होगा, फिर हमारा आगे हेडिंग बनेगी कि हम किस तरह से फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हुए फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चलाएंगे। तो फ़िल्ट्रेशन थ्रू आ फ़िल्टर पेपर, इसको करने के लिए हम नॉर्मली जब हम लेबॉरेटरी में करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम एक लिया करते हैं कोनिकल फनल। ये कोनिकल फनल ये हुआ करती है, ये ग्लास की, ये मैं दिखा रहा हूँ इस तरह की, ये आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल भी किया होगा, जिसमें इसका ये वाला जो पोर्शन है ये स्टेम होता है, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम इसका रिम कह सकते हैं, ठीक है, इसका अगर हम सिंपल बोलें हेड कह सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर हम फ़िल्टर पेपर प्लेस करेंगे, ठीक है, ये होगा हमारा फ़िल्टर पेपर। ये देखें इस तरह का हमारा फ़िल्टर पेपर होता है, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम से है, वाटमैन के नाम से,
व्हाट मैं नंबर वन फिल्टर पेपर लिखा होता है, मैंने कहा डिफरेंट ग्रेड्स के होते हैं जिसमें इसकी ये मोटाई और पोर साइज डिफरेंट होते हैं। अब इस फिल्टर पेपर को हमने इस फनल में लगाना होता है, इसके नीचे बीकर रख लेते हैं, तो जो हमारा इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है जिसको हमने सेपरेट करना है उसको यहाँ इसके अंदर हम डालते हैं, वाटर गुजर कर इसमें से नीचे निकल जाता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है, ज़रूरी नहीं है वो वाटर ही है, और जो हमारा इनसॉल्युबल है वो इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो देखें, इनसॉल्युबल पार्टिकल ऊपर रह जाएगा, जो नीचे है सॉल्वेंट वो इससे अलहदा हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा सॉल्वेंट इनसॉल्युबल पार्टिकल से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और ये हमारी टेक्निक क्या कहलाएगी, सेपरेशन टेक्निक। तो इसमें हम कॉनिकल फनल यूज करेंगे, नंबर टू हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे, और नंबर थ्री हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, एक बीकर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिल्टर पेपर को हमने इस कॉनिकल फ्लास्क में लगाना कैसे है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ऐसे तो नहीं ये लगेगा कि आप ये इसको पकड़ें और इसके अंदर ऐसे लगा दें, तो ये ऐसे लगना नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ मेथड समझना है हमने कि फिल्टर पेपर को हम फोल्ड करके किस तरह से इसके अंदर लगाएं, और कौन कौन से हम इसमें प्रोसीजर जो हैं या हम कह सकते हैं कुछ बातें जेहन में रखकर, प्रिकॉशन जेहन में रखकर इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे ईजीली प्रोसीड करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है कि बुक के अंदर ना उसने पहली लाइन में लिखा कि फिल्ट्रेशन थ्रू आ फिल्टर पेपर इज़ आ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम जो है वो काफ़ी लगता है। ऐसा ही है, जब हम रख देंगे थोड़ा सा टाइम लग जाता है फिल्ट्रेशन होने में, लेकिन हम कुछ ऐसी जो है, मैंने जैसे आपको कहा, प्रिकॉशंस करके या कुछ ऐसी प्रोसीजर लगाकर थोड़ा सा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नॉर्मल के हवाले से क्या कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि फ़िल्टर पेपर को हमने लगाना किस तरह से है। तो ये हमारी हेडिंग आएगी, फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर। ठीक है, फोल्डिंग कैसे किस तरह से करते हैं फिल्टर पेपर की, तो दो तरह से नॉर्मली जो है इसकी फोल्डिंग की जाती है। उसमें पहला आएगा नॉर्मल फोल्डिंग, ठीक है, नॉर्मली, और दूसरी आ जाएगी कि ऐसी फोल्डिंग करनी है जिससे फिल्टर पेपर हमें फैन लाइक नज़र आता है, तो इस वजह से ना उसको नाम दे दिया जाता है फ्लूटेड फिल्टर पेपर का। फ्लूटेड का मतलब ये होता है अप एंड डाउन्स किसी चीज़ में नज़र आना, तो वो पेपर जब हम बनाएंगे अभी देखेंगे तो उसमें अप एंड डाउन होने की वजह से हम उस पेपर को क्या नाम दे देंगे, फ्लूटेड फिल्टर पेपर का। तो पहली हमारी जो फोल्डिंग आएगी वो नॉर्मल फोल्डिंग होगी। अब वो फोल्डिंग किस तरह से करनी है, देखें, जो मैंने अभी फनल बनाई थी, ठीक है, कॉनिकल फनल, ये हमारी एक कॉनिकल फनल है, इसमें अगर हम ये वाला देखें ना, यहाँ पर ये वाला एंगल, ठीक है, ये तकरीबन 60 डिग्री का एंगल होता है, बात समझ आई, ये वाला जो कोन पोर्शन है, ठीक है, तो हमने पेपर भी इस तरह से फोल्ड करना है कि वो अच्छी तरह से इसमें क्या हो जाए, प्लेस हो जाए। तो इस तरह से फोल्डिंग करनी होगी कि वो इस पोर्शन के अंदर, ये जो हमारा ऊपर ये वाला है जिसको हम हेड कह रहे हैं या रिम कह रहे हैं, उसके अंदर अच्छी तरह से क्या हो सके, प्लेस हो सके। तो प्लेसमेंट के लिए हम जरा नॉर्मल इसकी फोल्डिंग पढ़ते हैं। तो फोल्डिंग किस तरह से होगी, ये हमारा सिंपल फिल्टर पेपर है। अब इसकी फोल्डिंग का तरीकेकार बुक में समझाया, ये आपने लिखना भी है। उसके लिए वो लिखता है कि पहली फोल्डिंग होगी कि आपने इसको इसके डायामीटर पर क्या करना है, फोल्ड करना है। ठीक है, ये पहली फोल्डिंग इस तरह से है, ठीक है, समझते हैं कि ये इसका क्या कहलाता है, डायामीटर। तो पहली जो फोल्डिंग है वो आपने इसके अलोंग दी डायामीटर करनी है। जब डायामीटर पर करेंगे तो हमें ये एक डी की तरह नज़र आएगा। आपने ये किया होगा, जब मैथ के अंदर हम करते हैं तो वो डी सा लगता है हमें, ये एक डी है, ये देख लें, डी लग रहा है। फिर दूसरी फोल्डिंग आपने करनी है, क्योंकि फोल्डिंग हमने इस तरह से करनी है कि अच्छी तरह से प्लेस हो। ये प्लेस कब होगा कि जब ये फिल्टर पेपर को फोल्ड करें तो इसमें भी एक एंगल बनेगा, और वो एंगल तकरीबन 60 डिग्री के इक्वल हो, इतने डिग्री का, ताकि वो अच्छी तरह से इसमें क्या हो जाए, प्लेस हो जाए। अब दूसरी फोल्डिंग आपने इसको ऐसे करनी है कि इसके ये जो एजिज़ हैं, इनको ना एजिज़ कहते हैं, ये आपस में मैच ना हों, ठीक है, क्योंकि जब मैच नहीं होंगे तो ये वाला जो हमारे यहाँ एंगल बनेंगे ना, इसको बुक में वो लिखता है एपेक्स एंगल।
ये एपेक्स एंगल इस तरह से फोल्डिंग करने पर बड़ी जो है जो नियरली 60 डिग्री होगा उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरी जो फोल्डिंग होगी, सेकंड फोल्डिंग, बुक में वो इस तरह से लिखता है, इट इज़ डन इन सच अ वे दैट द एजिस डू नॉट क्वाइट मैच, इसके ये एजिस जो हैं वो मैच नहीं होने चाहिए। फोल्डिंग हो गई, अब ये हमारा यहाँ एपेक्स एंगल है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अगर हम रखें तो ये हमारा एंगल क्या होगा, एपेक्स एंगल होगा। अब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करते हुए क्या करेंगे, इस तरह से ओपन करना है कि इसका एक फोल्ड एक तरफ आ जाए, ये देखें, और तीन फोल्ड एक तरफ चले जाएं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्ड तीन इधर आ चुके हैं, एक इधर आ चुका है, ऐसे हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो चुका, ओपन। अब हम इस ओपन को पकड़ेंगे, अब देखें ये हमारी थी फनल, इसके अंदर ऐसे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो ये इस तरह से देखें, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इजीली बिल्कुल करेक्ट जो है वो उसके अंदर क्या हो चुका है, लग चुका है, या हम इसको पेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर लगाएंगे। अब लगाना कैसे है, फिल्टर पेपर लगाने से पहले जब हमने ओपन किया, इसकी ये जो दीवारें हैं अंदर वाली, इसको वाटर के साथ ऐसे आप अपनी फिंगर से क्या करेंगे, अच्छी तरह से वेट करेंगे। जब आप अच्छी तरह से वेट कर लेंगे तो आपने इसको ओपन किया और इसके अंदर जब लगाएंगे तो ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, अच्छी तरह से इसके अंदर ऐसे क्या हो जाएगा, इस तरह से ये प्लेस हो जाएगा, फिर्मली यहाँ पर बाउंड हो जाएगा, मतलब ये अब यहाँ से इजीली मूव नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ओपन करके बाय यूजिंग वाटर उसकी वॉल्स को वेट करके उसके अंदर क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ ये देखें हमारी यही फनल है, इस तरह से हमें नज़र आएगी। इसके नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीकर लगाएंगे और वो मटीरियल जिसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, जिसको हमने सेपरेट करना है, प्रेसिपिटेट जिस बीकर में पड़ा हुआ है, वो बीकर, ये हमारी फनल है, उसके ज़रिए से ये बीकर यहाँ लाएंगे और वो अमाउंट इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस आया सिंपल कि किस तरह से हम सिंपल फोल्डिंग जो है फिल्टर पेपर की करते हैं। तो ये आपने यहाँ से याद करना है और इसके अंदर यही बात क्या करनी है, लिखनी है। अब ये हमारी क्या है, फनल है, फनल का ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये उसकी क्या है, स्टेम है। ठीक है, अब इसको लगाना किस तरह से है, ये हमारा बीकर है, ऐसे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीकर, और इस बीकर के अंदर हमने फनल लगा दी है। ठीक है, अब इसके अंदर यहां पर ये हमें छोटा बीकर हो गए, अच्छा अब ये हमारा दूसरा बीकर है और इस बीकर में हमने क्या किया, वो मीडियम, वो प्रेसिपिटेट जिसको फिल्टर करना है वो इस बीकर में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लगाया है, फिल्टर पेपर, ये जो ब्लू से है ये इसके अंदर फिल्टर पेपर है, ये लगा हुआ है। क्या करेंगे, वो मटेरियल लाकर जिस तरह से हमने अभी ओपनिंग करवाई है इसके अंदर लाकर क्या कर देंगे, प्लेस करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़ेहन में रखनी है, क्योंकि मैंने पहले कहा फिल्ट्रेशन थ्रू अ फिल्टर पेपर इज़ अ स्लो प्रोसेस, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और कुछ चीज़ें अगर हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर तो ये काफ़ी टाइम लगेगा, इसको तकरीबन एक एक दिन, दो दो तीन तीन चार चार दिन लग सकते हैं। तो उसमें पहली जो प्रिकॉशंस होगी या पहला जो हम प्रोसीजर डिवेलप करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए, वो क्या होगा कि फ़िल्टर पेपर जो है इट इज़ फिर्मली बाउंड। फिर्मली बाउंड मीन कि उसको अच्छी तरह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस फनल की दीवार के साथ पेस्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों है, अगर ये पेस्ट नहीं है तो फनल की दीवार और पेपर के दरमियान यहाँ एयर होगी, उस एयर की वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकेगा, हमारा यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसके पास आउट होने में उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो पहला क्या होना चाहिए, फ़िल्टर पेपर यहाँ पर फिर्मली बाउंड होना चाहिए। दूसरा, जब आपने फिल्ट्रेशन करनी है तो फिल्टर पेपर भी इस साइज़ का लेना है कि जब हम इसके अंदर लगाएं तो फिल्टर पेपर तकरीबन इतना ऊपर हो, बड़ा फिल्टर पेपर हो। ऐसा क्यों कि हम काफ़ी सारा लिक्विड जो है वो इस फिल्टर पेपर के अंदर एट अ टाइम प्लेस कर सकें। ये नहीं करना कि हमने एक ड्रॉप ऐड किया फिर दूसरा तीसरा, जितना ज़्यादा इसके अंदर लिक्विड होगा उतना वो लिक्विड पुश करेगा, यानी कि यहाँ एक फोर्स यूज़ होगी जो कि सॉल्वेंट को ईजिली क्या करती जाएगी, पास आउट करवाती जाएगी। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज एनफ
फिल्टर पेपर जो है वो हमारा इतना बड़ा होना चाहिए सो डैट इट्स 1/4 फुल ऑफ लिक्विड, या हमारा जो हम यहाँ पर उसके अंदर जो है वो सेपरेट कर रहे हैं वो 1/4 उससे क्या होना चाहिए, तकरीबन फिल होना चाहिए, ठीक है, तकरीबन 3/4 हिस्सा वो वहाँ पर फिल होना चाहिए। अब ये जो इसका रिम है, ये वाला इसका ऊपर वाला पोर्शन इस हमारी फनल का जिसको हम हेड कह रहे हैं, ये भी इतना होना चाहिए कि फिल्टर पेपर से ये 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर हो जब हम फिल्टर पेपर लगा लें। देखेंगे जो मैंने फिल्टर पेपर लगाया, जब हम ये फिल्टर पेपर लगा रहे हैं तो लगाने के बाद ये देखें ये इतने से इतना इससे क्या है, ऊपर है, बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए, वरना फिर वही जो मैंने कहा एयर की फोर्स यहाँ आएगी तो उससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, हमारी ये जो रिम है इट इज़ 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द सर्कमफेरेंस ऑफ द फिल्टर पेपर। फिर सर्कमफेरेंस समझते हैं, उसके जो कॉर्नर्स हैं, एजिज हैं, उससे ये 1 से 2 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब चौथा स्टेप्स इसमें ये आ जाएगा कि ये इस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो क्या होता जाएगा, स्मूथली प्रोसीड करता चला जाएगा। अगर ये पेस्ट नहीं है अच्छी तरह से, मैंने कहा बहुत टाइम कंजप्शन होगी क्योंकि यहाँ जो है वो एयर नहीं होनी चाहिए इसकी वॉल्स और फिल्टर पेपर के दरमियान ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर फिर भी हम यहाँ से ये कर भी देखेंगे तो ये स्लो जो है ना प्रोसेस, चूँकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं, इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने जैसे कहा कि किस तरह से स्पीड बढ़ा सकते हैं वो यहीं से पता चलेगी, फिर्मली बाउंड से। वो कहता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज़ आ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, दिस विल टेक मैनी टाइम्स अनटिल इट इज़ प्रोवाइडेड अ जेंटल सक्शन। अगर हम यहाँ एक जेंटल सक्शन प्रोवाइड करें तो ये प्रोसेस क्या हो सकता है, थोड़ा सा तेज़ हो सकता है, मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा कि अगर हम जेंटल सक्शन प्रोवाइड ना करें। जेंटल सक्शन क्या है कि यहाँ एक सक्शन फोर्स डिवेलप होनी चाहिए, जो कि सक्शन मीन क्या होता है कि लिक्विड को खुद ब खुद वो मूव करे दूसरी टाइप को। जैसे हम एक मोटर चलाते हैं तो हम नीचे से पानी को क्या करते हैं, सक करते हैं, तो यहाँ अगर इस लिक्विड ने यहाँ से पास करना है तो यहाँ सकिंग फोर्स डिवेलप होनी चाहिए। वो सकिंग फोर्स कहाँ से आएगी, जब यहाँ पर एयर मौजूद नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ से एयर निकालने के लिए इसको फिर्मली क्या करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग इफ इट इज नॉट एडिड बाय अ जेंटल सक्शन। अगर हम इसको मदद नहीं देंगे जेंटल सक्शन की, जेंटल सक्शन मीन इफ अ फिल्टर पेपर आर नॉट प्रॉपरली फिटेड इन द फनल, ठीक है, तो वो फनल कैसे के अंदर कैसे फिट होगा, जब हम उसको क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अगर यहाँ पर से पूछा जाए इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस टू रन रैपिडली। तो उसको रनिंग करने के लिए आप पहले क्या लिखेंगे, इट इज़ रन रैपिडली व्हेन इट इज़ फिर्मली बाउंड और प्रोवाइडेड अ जेंटल सक्शन, ठीक है। एक तो हम यहाँ सक्शन डिवेलप करेंगे फिल्टर पेपर को बाइंड करके, दूसरा अगर हम इस बीकर के अंदर या फनल जिसके अंदर हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर भी सक्शन डिवेलप हो तो देखें लिक्विड ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ पास करेगा। तो एक और स्टेप यहाँ यूज़ हो सकता है, वो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, ठीक है। इस पंप का यूज़ ना हम जब हम क्रूसिबल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें पंप यूज़ करते होते हैं ताकि हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बड़ी जल्दी से हो जाए, वरना इसको काफ़ी टाइम जो है ना वो घंटे लग जाते हैं। तो वैक्यूम पंप करके हम और सक्शन डिवेलप करके भी क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना वो तेज़ी से प्रोसीड करवा सकते हैं रैपिडली। अब इसमें एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन और वो है फॉर स्मूथ रनिंग, ठीक है। स्मूथ रनिंग मीन कि हम जब फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम इस प्रोसेस को चाहते हैं स्मूथली रन करवाना, वो कैसे होगा, उसके लिए भी कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये कि जो फनल लेनी है उसकी ये स्टेम थोड़ी सी लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, कितनी लार्ज हो कि ये बीकर में कम अज़ कम जो उसका बीकर का बॉटम है उससे 1 से 2 सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर क्या हो उससे ऊपर हो। सेंटीमीटर हम समझ लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इससे क्या होगी, ऊपर होगी, इतनी ये लंबी होनी चाहिए, ठीक है। अब जब हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस करवाना है तो ये ऐसा क्यों होना चाहिए कि अगर
इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा ये लंबी होगी उतना इसमें से लिक्विड क्या करता जाएगा, स्मूथली प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है। तो फुल ऑफ लिक्विड ये भी होनी चाहिए स्टेम भी, ठीक है। इससे क्या होता जाएगा, स्मूथली एक ही तरह से लिक्विड पास होता जाएगा। अब इसको लगाना कैसे है फनल को, तो आपने इसको बीकर की दीवार के साथ टच करना, जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। उससे क्या होगा कि लिक्विड अगर हम दरमियान में रखते हैं तो वो ना स्प्लैश करेगा, ठीक है। उस स्प्लैशिंग से क्या होता है, उसके बाहर गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। इससे क्या होगा, इसकी दीवारों के साथ लगाएंगे तो ये जो लिक्विड आता हुआ इसकी दीवारों के साथ आकर स्मूथली आकर यहाँ पर बीकर के अंदर ऐड होता जाएगा। तो इसलिए जब लगाना है तो इसको इसकी दीवार के साथ क्या कर देना, आपने टच कर देना है। ऐसे आपने देखा होगा पानी दीवारों के साथ बड़ा इजीली प्रोसीड करता है नीचे स्मूथली, लेकिन दरमियान में रखें तो वो एकदम से नीचे आएगा, जिससे यहाँ पर से जो हमारा पोर्शन है सॉल्वेंट का वो बाहर भी आ सकता है। इस प्रोसेस को क्या कहा करते हैं, स्प्लैशिंग, ठीक है। और ये लंबी क्यों रखी, कि जितनी ये फुल ऑफ लिक्विड होगी उतना लिक्विड नॉर्मली स्मूथली प्रोसीड करेगा, तब भी स्प्लैशिंग के चांस क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन जितना ये ऊपर रख लें और दरमियान में रखें तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने से क्या होगा, फर्ज करें हम बीकर नहीं लगा रहे, बीकर हमारा बहुत छोटा सा है तो उसमें से कुछ पार्टिकल के आते जाएंगे बाहर, हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर ये प्रोसेस होता है, वो फिर जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ करती। तो ये कुछ प्रोसेस थे, कुछ स्टेप्स थे कि हम फिल्टर पेपर को यूज करते हुए फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करेंगे, ठीक है। अब लास्ट इसमें कि जब हम ये फिल्टर पेपर देखते हैं तो इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब हम कर रहे हैं या देखें तो जिस जहाँ पर ये एक है ना इसका एक साइड, वहाँ से इसने ज़्यादा इजीली क्या होना है फिल्टर, जहाँ इसकी जितनी मोटी तय होती जाएगी, देखें इधर तीन है उधर से उतना वो स्लो होगा। इसका मतलब है फिल्ट्रेशन के लिए इतना सरफेस एरिया मौजूद है जहाँ से हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, फिल्टर होगा। तो अब बाकी जो हमारा फिल्टर पेपर का सरफेस एरिया है वो इस टाइम यूजेबल नहीं है, इस फोल्डिंग से यूजेबल नहीं है। तो अगर हम ऐसा कर लें कि जितना सरफेस एरिया बढ़ा लें उतनी ज़्यादा कम टाइम के अंदर फिल्ट्रेशन हो सकती है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम दूसरी टाइप की जो है वो फोल्डिंग यूज़ करते हैं, और उस फोल्डिंग को करने से हमारा फिल्टर पेपर क्या कहलाता है, फ्लूटिड फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर में क्या हुआ करता है कि हमारा इस तरह का कोई हमें नज़र आता है, ये पेपर है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से अल्टरनेट ग्रूव्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उभार मौजूद होते हैं इसके अंदर, मतलब एलिवेशंस और डिप्रेशंस मौजूद होती हैं, ठीक है। इनको आप इस तरह से इसके साथ मिलाएं तो कुछ इस तरह का हमें ये कोन्स की शक्ल में अगर देखें ना तो ये हमें नज़र आता है हमारा फिल्टर पेपर ऊपर से देखें तो, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसमें यहाँ देखें ये एक एलिवेशन है और अगर अंदर की तरफ देखें तो ये एक डिप्रेशन है। इसको ऐसे ही फनल के अंदर लगाएंगे, अब देखें ये सारे का सारा सरफेस एरिया अवेलेबल है एट अ टाइम क्या करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। तो फिल्टर पेपर से अगर हम देखें, बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर सरफेस एरिया विल इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एरो मीनिंग क्या है, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाई फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज यूजफुल एज कंपेयर टू नॉर्मल फोल्डिंग, या व्हाई वी यूज फ्लूटेड टाइप ऑफ फोल्डिंग फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपने बताना है, व्हेन वी यूज फ्लूटेड टाइप ऑफ फोल्डिंग वी गेट अ लार्जर सर्फेस एरिया, मोर सर्फेस एरिया अवेलेबल एट अ टाइम फॉर फिल्ट्रेशन, सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल बी इंक्रीज, ठीक है। इसको उसने बुक में ये लिखा है, इट लुक लाइक अ फैन लाइक अरेंजमेंट। कौन सा फैन, वो जो होता है ना लोगों के पास ऐसे करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा फैन जो नॉर्मल हैंड फैन वो हो सकता है, ये उसकी तरह नज़र आता है जब हम इसको फोल्ड करते हैं, इसलिए इसको फैन लाइक अरेंजमेंट भी लिखा है, विच कंटेन अल्टरनेट डिप्रेशंस एंड एलिवेशन एंड इट इज़ कॉल्ड अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब लास्ट पे सिर्फ हमने ये समझना है कि ये जो फोल्डिंग है वो करते कैसे हैं, बस लास्ट। तो इस फोल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से पहली फोल्डिंग, इसकी आपने बुक में नहीं दी गई इसलिए आपने इसकी हिस्ट्री नहीं लिखनी, डिटेल नहीं लिखनी कि कैसे करनी है, ये सिर्फ समझनी है। हम देखेंगे ये फैन लाइक लगेगा, तो इसकी जो फोल्डिंग है वो काफ़ी टाइप्स की नेट पे दी भी हैं। एक पहली फोल्डिंग होगी, आप इसको इसी तरह से अलॉन्ग द डायामीटर करें बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले में की। दूसरा आप इसको उसके अलॉन्ग दी एजिज़, आप उसको एजिज़ पर करें,
ये दूसरी उसी तरह से। अब आप हर एज को ओपन करेंगे और इसको फैन लाइक बनाएंगे। तो कैसे फैन लाइक बनाएंगे, ये एक एज है, इसको दरमियान से ऐसे खोलें और इसको इसी लाइन के ऊपर क्या करें, फिर इस तरह से फोल्ड करें बैक, इन दोनों कॉर्नर्स को यहाँ मिला दें, ठीक है। ये एक मिला, फिर हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब इस एज को भी आपने ऐसे मिलाना है, ठीक है, और इसको भी आपने इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। तो देखें ये हमें कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, इस तरह का, ठीक है। ये हमने उसकी क्या की हैं, फोल्डिंग की हैं। अब हर फोल्ड जैसे हमने की, उसको आपने उसी लाइन के ऊपर बार बार फोल्ड करते जाना है। ये एक फोल्ड था, मैंने इसको इतना सा ओपन किया और फिर यहाँ फोल्ड किया, जहाँ जहाँ फोल्ड करना है आपने उसको मिलाते जाना है। ये एक मिला, अब हमने इसको पकड़ा है, ये सिर्फ समझना है, वो समझाने के लिए, आपको प्रैक्टिकल भी वैसे इसका नॉर्मली इस लेवल पे नहीं आता, सिर्फ समझना है। इस पर किया, फिर आप इसको निकालेंगे, इसको किया, फिर आप इसको निकालेंगे, इसको किया, तो देखें ये हमारा वो पंखा ही बन गया, हैंड फैन, ये इस तरह से करने वाला। अब हम इसको ओपन करें तो ये देखें ज़रा, ये नीचे एंगल वही बन रहा है तकरीबन, जिससे हम इसको फनल के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह का हमें फ़िल्टर पेपर नज़र आएगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है इस तरह का। अभी हमने और भी फोल्डिंग करनी है, इसको मज़ीद कर सकते हैं, लेकिन खैर इतना ही ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कहलाएगा, ठीक है। तो आज के हवाले से इतना ही है कि आपने फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हुए कैसे करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन, और जो मैंने शॉर्ट बताए कि व्हाट आर द स्टेप्स। अब देखें इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर हाउ वी इंक्रीज द फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग फ़िल्टर पेपर। तो उसमें पहला, बाई यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस इंक्रीज, बाय प्रोवाइडिंग जेंटल सक्शन फिल्ट्रेशन प्रोसेस इंक्रीज, बाय यूजिंग वैक्यूम पम्प फिल्ट्रेशन प्रोसेस इंक्रीज, पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा, हाउ व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर फॉर स्मूथ फिल्ट्रेशन, उसके लिए क्या होंगे, तो ये आपने बताना है। स्टेम लार्ज होनी चाहिए, टच होनी चाहिए, ये फुल होना चाहिए लिक्विड से, स्प्लैशिंग ना हो, इस तरह से ये स्मूथली रन करेगा। ये कोई दो शॉर्ट क्वेश्चन। फिर तीसरा, हाउ वी डू फोल्डिंग ऑफ अ फिल्टर पेपर, तीसरा जो हमने यहाँ पढ़ा नॉर्मल में कैसे करते हैं, तीन शॉर्ट क्वेश्चन। और पूरे का पूरा ये जो टॉपिक है दोनों को यूज़ करते हुए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ फिल्ट्रेशन अकर थ्रू अ फिल्टर पेपर, ये तैयार करना है। तो उसी तरह से बच्चे एंड पे जो है आगे हम देखेंगे क्रूसिबल फिर पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को देखना है, कुछ चीज़ ना समझ आए तो वो कमेंट्स में बताएँ, वीडियो बताएँ कमेंट में कैसी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।